गाइस, मेरा नाम है लिप्तन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल लिप्तनशील ब्लॉग को। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं फिर ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इस बार का जो ब्लॉग है आप पीछे देख रहे हो, ये है एक पार्क जो कि अगरतला के बहुत ही नियर बाई लोकेशन पे है। इसका नाम है ऑक्सीजन पार्क। अभी तक इस पार्क को कोविड को मद्देनजर रखते हुए ओपनिंग नहीं किया गया है, मगर कुछ ही दिनों में ये पार्क जो है आप लोगों के लिए ओपन हो सकता है। और इस पार्क का जो नाम है वो कोविड को मद्देनजर रखते हुए ऑक्सीजन पार्क रखा गया है। तो चलिए अब इस पार्क के अंदर जाते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ नजारा है। फाइनली दोस्तों, मैंने पार्क के अंदर इनसाइड प्रवेश कर लिया है और पीछे एक साइन बोर्ड मुझे एंट्रेंस पे ही देखने के लिए मिल गया है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला है ये जो ऑक्सीजन पार्क है ये सराउंडिंग पूरा है जो शाल ट्री होता है उसके ऊपर। और पूरा जो ट्री आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा वो होगा शाल ट्री। और इसका जो सराउंडिंग्स है ये इन टोटल वॉकिंग जो प्लेस है वो कहना ये है, एज्यूम ये किया जा रहा है कि 2.5 किलोमीटर के अराउंड होगा। तो इनसाइड जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता भी चलेगा। और यहाँ पे दोस्तों एक साइड पे अगर आपको मैं लेके जाऊँगा वहाँ पे आपको एक चिल्ड्रंस पार्क देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ इनसाइड पे एक योगा सेंटर देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती यूज़फुल रिसोर्स हो सकता है। जो भी नेचर लवर है और नेचर में आके एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बहुत वाइटल प्लेस हो सकता है। वैसे तो आप लोग अम्यूजिंग के लिए भी यहाँ पे बच्चों को लेके आ सकते हो क्योंकि ऐसा एटमोसफियर जहाँ पे आपको पेड़ पौधे इतने सारे देखने के लिए मिले, जहाँ पे ऑक्सीजन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, तो ये सिटी लाइफ से थोड़ा सा हटके है जो कि सिटी के बहुत ही नज़दीक आपको मिल जाएगा। तो ये अगर आप लोग कभी भी विजिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कोविड के वजह से अभी तक इस पार्क का जो है इनोग्रेशन नहीं हुआ है, मगर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस पार्क को जितना हो सके एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को जितना फुटेज दे पाऊँ इस ब्लॉग के तहत दूर। तो इस ब्लॉग पे एंड तक ज़रूर बने रहना और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों अभी जो एरिया है ये पूरा चिल्ड्रंस पार्क के जैसा एरिया बना के रखा है और ये एंट्रेंस के एकदम नज़दीकी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे साधन रखा गया है खेलने के लिए, मगर दोस्तों जो कहते हैं ना, जब लोग नहीं आता फोकस नहीं रहता तो चीज़ों का जो मेंटेनेंस है वो भी नहीं होता। तो यहाँ पे अब मेंटेनेंस की साफ कमी दिखने के लिए मिल रहा है क्योंकि लोग नहीं है, इनोग्रेशन नहीं हुआ है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बनाया गया था उसका कोई भी अभी जो है मेंटेनेंस नहीं चल रहा है। मगर आप लोग जब आओगे, जब उसका इनोग्रेशन हो जाएगा तो ऐसा माहौल नहीं रहेगा, आपको सब कुछ सटीक वे में देखने के लिए मिलेगा, ये अथॉरिटी का कहना है। मगर अब भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए भी जो है खेल कूद करने के लिए साधन यहाँ पे रखा गया है। तो ऑक्सीजन के पार्क में अगर आप लोग आते हो मॉर्निंग वॉक करने के लिए या फिर योगा करने के लिए तो आप आपके बच्चों को भी साथ में लेके आ सकते हो। इवन अगर आप लोग आते हो कि सिटी लाइफ से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा पेड़ पौधे के बीच पे थोड़ा सा वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करने के लिए तो भी यहाँ पे आपको ये सब नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा इनसाइड आने के बाद अब सबसे अम्यूजिंग चीज़ मुझे देखने के लिए मिला है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो भी कपल्स लोग हैं स्पेशली वो लोगों के लिए भी इंतज़ाम करके रखा गया है। तो आप लोग भी अपना वैल्यूएबल टाइम अपने वैल्यूएबल पर्सन के साथ यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट भी करके रखा गया है ऑक्सीजन पार्क के अंदर। तो ये मत सोचना कि आप लोग यहाँ पे आते हो सिर्फ योगा या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर वॉकिंग ही करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है आपके रोमांटिक टाइम आपके स्पेशल पर्सन के साथ भी स्पेंड करके जा सकते हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतने ज़्यादा घने जंगल क्यों है, यहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखने के लिए मिल रहा है। तो इस पार्क का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा क्योंकि इटसेल्फ पार्क का नाम ही ऑक्सीजन पार्क रखा गया है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको इतने सारे घने जंगल यहाँ पे देख रहा है। और ये जो है ये सिटी कल्चर से बहुत डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी कूट कूट के भरे हैं। यहाँ पे आपको पंछियों का जो साउंड है वो भी मिलेगा अगर मॉर्निंग टाइम पे आप विजिट करने आओगे, जो कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा अम्यूजिंग फील देगा। तो आप लोग ज़रूर इस पार्क को एक बार विजिट करने आओ। तो अभी चलो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या देखने के लिए मिलता है।
दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइन बोर्ड पे मेंशन है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, तो यहाँ पे आप लोगों को काफी हद तक बटरफ्लाई भी देखने के लिए मिल सकता है और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन पे आपको यहाँ पे बटरफ्लाई देखने के लिए मिलेगा जब भी आप लोग इस पार्क को विजिट करने आओगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या कुछ है। दोस्तों कहते हैं ना जंगल में मंगल, तो यहाँ पे अगर आप लोग जंगल में मंगल करना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कॉटेज है। तो जो के पार्ट ये कॉटेज इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोग आके थोड़ा बहुत यहाँ पे जब थक जाओ तो थोड़ा रेस्ट कर पाओ। और ये जो आप लोग कॉटेज देख रहे हो ये शाल ट्री से ही बनाया गया है। इसमें जो बड़े बड़े खंभे आप लोग देख रहे हो ये शाल ट्री का है। और ये जो आप लोग देख रहे हो इसको आप भी पहचानते हो, मैं भी पहचानते हो, यहाँ पे कॉकअप देख रहे हो, तो ये यहाँ पे बना के रखा गया है क्योंकि जंगल में ऐसा ही कॉकअप मिलता है दोस्तों। तो 600 मीटर वॉक करने के बाद फाइनली आप लोगों को लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाने के लिए। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पानी में आप लोग देख सकते हो लोटस, और इसका नज़ारा कुछ इसी प्रकार का देखने के लिए मिलेगा जब आप भी आओगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर का लोटस है, ये जो है ये वायलेट कलर में है, और उस तरफ अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा पिंकिश लोक पे भी जो है वो लोटस देखने के लिए आपको मिलेगा। और ये एक सराउंडिंग है, आपको एक गोल मोटल देखने के लिए मिलेगा। आप लोग देख सकते हो ये चारों ओर सर्किल के जैसा बना के रखा गया है। तो आप लोग भी आओगे तो इस प्लेस पे जो ऑक्सीजन पार्क के फ्रंट से 600 मीटर दूर पे है तो आपको ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। गाइस मैंने अभी 100 मीटर का और यहाँ पे वॉकिंग कर लिया है और आप देख सकते हो मुझे भी पसीना वसीना आ गया है, पूरा थक चुका हूँ। और यहाँ पे मुझे आने के बाद मिला है एक टैंकर, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ही टैंकर जो है हर 200 मीटर बाद यहाँ पे रखा गया है ताकि आप लोग जब भी इस पार्क पे पैडल चलते चलते थक जाओ तो आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी जो है वो सेवन कर पाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग अभी देख सकते हो मैं स्टेयर से नीचे जा रहा हूँ और ये जो एरिया है थोड़ा सा स्केयरी एरिया है, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं यहाँ पे क्या है। तो सस्पेंस जैसे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, मेरे लिए भी ये सस्पेंस एरिया ही है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं इस एरिया पे क्या कुछ हम डिस्कवर कर पाए। जब आओगे आपको डर लगेगा कि नहीं, मुझे तो ये प्लेस बहुत ही स्कैरी लग रहा है। तो ये जोनर से अगर आप लोग गुजरते हो तो थोड़ा बहुत आप लोग सेफली आना क्योंकि प्लेस जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। आप लोग देख सकते हो क्या नज़ारा है और मैं फिर भी कवर कर रहा हूँ, डर तो मुझे भी लग रहा है। हालांकि इस जगह पे आके यहाँ पे ना तो कोई आदमी दिख रहा है ना तो कुछ दिख रहा है, मैं हूँ, मेरा कैमरा है, आप लोग हो और ये पूरा सन्नाटा। और ये जो अभी आप लोग देख रहे हो ये बैम्बो का जो है स्टिक है, ये बैम्बो प्लांटेशन यहाँ पे किया गया है। मगर प्लेस बहुत ही जो है खतरनाक स्कैरी लग रहा है, पता नहीं कहीं से कहीं भूत भूत ना आ जाए। फाइनली दोस्तों ऑक्सीजन पार्क में जो स्पेशल स्पॉट है उस पर मैं पहुंच गया हूँ। ये एक योगा बेनिफिट सेंटर बना के रखा गया है, तो अगर आप लोग इस पार्क को विजिट करने आते हो तो ये एरिया आप लोग ज़रूर विजिट करना। और यहाँ पे अगर आते हो तो ज़रूर योगा करके जाना। अगर मॉर्निंग टाइम पे आओगे तो यहाँ पे शायद योगा मास्टर भी आप लोगों को मिल जाएगा जब ये पार्क पूरी तरीके से इनॉग्रेट हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो एक एक करके जो है ईच कंपार्टमेंट के जैसा बना के रखा है जहाँ पे बैठ के आप लोग योगा वगैरह कर पाओगे। और ये एक अनोखा चीज़ मुझे लगा स्पेशली कि बाकी जितने भी पार्क मैंने त्रिपुरा में विजिट किया वहाँ पे मैंने ऐसा एटमोसफियर नहीं देखा है जहाँ पे आप लोग मतलब बैठ के योगा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वॉकिंग के लिए आते हो तो योगा बेनिफिट भी मिलेगा, तो अनफिट आदमी भी फिट बन सकता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करो, हर दिन आओ, बॉडी को तंदुरुस्त बनाओ, हेल्थ खुश रहेगा, हेल्थ सबसे अच्छा रहेगा, तो आप खुश रहोगे, आपके फैमिली मेम्बर सारे खुश रहेगा। इसी नोट पे वीडियो पे लाइक कर दो और ये ब्लॉग को मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पर नाम कर दोस्तों, बाय।